दोस्तों साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म मैं हूं ना तो जरूर देखी होगी, जो कि एक्शन रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म थी। फिल्म की लव स्टोरी के साथ साथ फिल्म के गानों को भी दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। और भला हो भी क्यों ना सुपरहिट, क्योंकि फिल्म में हमारे टैलेंटेड कलाकार भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन से फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को बीते हुए काफी साल हो चुके हैं और इन बीते सालों में ये कलाकार आज काफी बदल चुके हैं, जिन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं से रूबरू कराने वाले हैं, और अगर आप इन कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इस फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 6, शाहरुख खान। फिल्म में मेजर राम प्रसाद शर्मा का किरदार अभिनेता शाहरुख खान ने निभाया था, जिसका किरदार फिल्म में लक्ष्मण प्रसाद के भाई और चांदनी चोपड़ा के प्रेमी का होता है। इन दोनों का ही किरदार इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने माय नेम इज खान, रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान और रईस जैसी कई फिल्मों में काम किया था। वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा है और अपनी अपकमिंग फिल्म सनकी की शूटिंग में बिजी है। पर क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में मेजर राम प्रसाद का किरदार निभाकर हुए प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये आज 54 साल के हो गए हैं और आज भी काफी हैंडसम लगते हैं। नंबर 5, सुनील शेट्टी। इस फिल्म में अभिनेता सुनील शेट्टी राघवन दत्ता का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिन्होंने अपने इस किरदार को इतने अच्छे से निभाया कि दर्शक भी इनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। इस फिल्म के बाद इन्होंने 2 चेहरे, थैंक यू लव और जय हो जैसी कई फिल्मों में काम किया था, और वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है और अपनी अपकमिंग फिल्म मुंबई सागा और हेरा फेरी 3 की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में राघवन दत्ता का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता सुनील शेट्टी आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये 58 साल के हो गए हैं, पर पहले जितने हैंडसम नहीं लगते, समय के साथ साथ इन पर भी बुढ़ापा साफ साफ झलकता है। नंबर 4, बिंदु। फिल्म में सहायक अभिनेत्री मिस काकर का किरदार अभिनेत्री बिंदु ने निभाया था, जिन्होंने अपने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि ये दर्शक की चहेती कलाकार बन गई थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने ओम शांति ओम फिल्म में काम किया और कुछ समय बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली। वर्तमान में इन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए काफी समय हो चुका है और इन बीते सालों में ये काफी बदल चुकी हैं। ये आज 62 साल की हो गई हैं और पहले जितनी खूबसूरत नजर नहीं आती हैं। नंबर 3, सुष्मिता सेन। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री चांदनी चोपड़ा का किरदार अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने निभाया था, जिनका किरदार इस फिल्म में मेजर राम प्रसाद की प्रेमिका का था। इस किरदार को इन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया था और पॉपुलर हो गई थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने मैंने प्यार क्यों किया, नो प्रॉब्लम और दूल्हा मिल गया जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने करियर को विराम दे दिया। इन्हें आखिरी बार साल 2015 की फिल्म निर्बाक में देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में चांदनी चोपड़ा का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री सुष्मिता सेन आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। ये आज 44 साल की हो गई हैं और पहले जितनी ही खूबसूरत लगती हैं। नंबर 2, जावेद खान। इस फिल्म में मेन लीड एक्टर लक्ष्मण प्रसाद शर्मा का किरदार अभिनेता जावेद खान ने निभाया था, जो संजना बख्शी से प्रेम करते थे। दर्शकों ने इन दोनों की लव केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते ये काफी लोकप्रिय हो गए थे। इस फिल्म के बाद इन्होंने शब्द, वादा, शादी नंबर 1 और कैश जैसी कई फिल्मों में काम किया। वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा और अपनी अपकमिंग फिल्म देशी की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में लक्ष्मण प्रसाद शर्मा का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता जावेद खान आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये आज 39 ईयर्स के हो गए हैं और पहले जितने हैंडसम और डैशिंग नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नंबर 1, अमृता राव। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अमृता राव नजर आई थी, जिन्होंने संजना बख्शी का किरदार निभाया था। इस किरदार को इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया था कि ये काफी फेमस हो गई थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने जॉली LLB, लाइफ पार्टनर, वेलकम टू सज्जनपुर और वाह लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में काम किया था।
इन फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में संजना बख्शी का किरदार निभाकर फिर से दुई अभिनेत्री। अमृता राव आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, ये 48 साल की हो गई हैं और दिखने में काफी ग्लैमरस और हॉट नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से कौन से कलाकार सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।